हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हॉल्ट। इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस, जो हमारे पास सिंपल इक्वेशंस है उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू एट। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू एक्स की चाहिए। एक्स की वैल्यू चाहिए यानी एलएचएस में मुझे बस एक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे एलएचएस में एक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? दिस इम्प्लाइज, इस साइन को दिस इम्प्लाइज बोलते हैं, या आप यहां पे और भी यूज कर सकते हो। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स प्लस फोर है, मुझे क्या चाहिए? एक्स चाहिए, तो प्लस फोर है। अगर मैं एलएचएस में माइनस फोर कर दूं, और अगर मैं LHS में माइनस फोर जब मैं कर रहा हूं तो मैंने RHS में भी माइनस फोर कर दिया, ताकि जो इक्वेशन है वो हमेशा सेम हो। तो प्लस फोर माइनस फोर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगी? X। एट माइनस फोर क्या हो गया? फोर। तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन में? फोर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, y माइनस थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व। यहाँ पे माइनस थ्री है, पर LHS में मुझे चाहिए क्या? बस y चाहिए। तो अगर मुझे माइनस थ्री को हटाना है तो LHS RHS दोनों साइड से मुझे ऐड करना होगा प्लस थ्री। तो मैंने क्या किया? y माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस थ्री। माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, तो यहां बचा क्या? वाई माइनस जीरो इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? नाइन। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास है टू पी अपॉन फोर इक्वल्स टू सिक्सटीन। मुझे एलएचएस में क्या चाहिए? पी चाहिए, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में p की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुझे दो काम करना है, जो डिनोमिनेटर में 4 है उसे हटाना है, और जो p के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है उसे भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं 4 को हटाता हूँ, 2p अपॉन 4, इसे मैं करूँगा मल्टीप्लाई 4 से। अगर मैंने LHS में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे RHS में भी करना है। RHS में मैंने मल्टीप्लाई किया 16 को 4 से, 2p अपॉन 4 इंटू 4, ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ क्या आएगी? 2p इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 का टेबल 4 टाइम्स, 16 वन ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32, 16 थ्री ज़ार 48, 16 फोर ज़ार 64। तो 2p की वैल्यू 64 है। अभी भी मुझे क्या चाहिए? मुझे p की वैल्यू चाहिए। अब मुझे 2 हटाना है, तो 2 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2p को 2 से डिवाइड करूंगा, 2p अपॉन 2 इक्वल्स टू 64 अपॉन 2। क्योंकि मैंने LHS में 2 से डिवाइड करा तो मुझे RHS में भी 2 से डिवाइड करना है। ये 2 2 कैंसिल, LHS में हमारे पास p आ गया 64 अपॉन 2। आप डिवाइड कर सकते हो, 32 आएगी, 64 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 0, 4 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 0। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं? जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल होती है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है, तो उसको हम चाहे माइनस करें, प्लस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोजिंग इन इक्वेशन, इक्वेशन में ट्रांसपोजिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।